लोग जहाँ पे आए इसको ये जगह को एटलांटिस, अभी पोंटी बीच में है, फिर हम लोग एटलांटिस जाएंगे। एटलांटिस के पास एक पोंटी बीच है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं पाम जुमेरा और इस प्लेस को जहाँ पे मैं अभी इस वक्त हूँ इसको बोलते हैं पोंटी बीच। ये बहुत ही ऑसम प्लेस है, लाइक द व्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत अमेजिंग ना, बहुत स्मूदनिंग सा, लाइक यहाँ पे रिलैक्सिंग होता है। यहाँ पे बैठो आके आपको लाइक सब कुछ भूल जाओगे, यू नो। वैसे भी तो वाटर यू नो बहुत अच्छा लगता है अगर आप पानी के सामने बैठे रहो। एंड द व्यू ऑब्वियसली, सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लेट मी शो यू गाइस अराउंड। स्पेशली जो ट्रीज है सब में लाइटिंग किया हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरे डैड। हाय पापा। थोड़ी थोड़ी अभी भी ठंड है, इनफैक्ट होली जाने के बाद मैंने सुना है कि ठंड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इधर ऐसा सच कुछ नहीं पता चल रहा है। इधर तो ठंड एज इट इज़ है, थोड़ी थोड़ी है, अभी भी मैंने जैकेट कैरी किया है, लेकिन ऐसी ठंड है जो आप बर्दाश्त कर सकते हो, ऐसी नहीं कि भाई बर्दाश्त के बाद। तो सब प्लेस आती हूँ तो ना ब्लॉक करना ही भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली खो जाती हूँ इस प्लेस में, ऐसे सब प्लेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट यू नो पहले मुझे फील कर लेने दो, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करती हूँ कि क्या बोलना है, क्योंकि फिर मैं थोड़ी सी उस मोड में रहती हूँ कि यार पहले मुझे फील तो करने दो यारो। फिर मेरी छोटी बहन जो है शिखा वो ओके। तो हम लोग थ्री सिस्टर्स हैं, एक है दीप और एक मैं हूँ वो, और मेरी छोटी बहन जो है वो है शिखा, एक्चुअली चंद्रशिखा, उसको हम लोग शिखा बोलते हैं, उसके फ्रेंड्स सब शिखा बोलते हैं। तो एक्चुअली हम तीनों ही शिखा है, दीपशिखा, रूपशिखा एंड चंद्रशिखा। तो हम थ्री सिस्टर्स हैं, जैसे अभी तक शायद मैंने ये बोला नहीं था, तो अभी बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग मुझे इतना जानते हो, मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो यू नो आइडिया देना चाहिए। और बस हम थ्री सिस्टर्स और मॉम डैड, हमारी वो छोटी सी फैमिली है। आप लोगों की मेरी एक अलग फैमिली है और मेरी जो पर्सनल फैमिली है वो अलग फैमिली है। हेलो एवरीवन, हाय हाय, वी आर इन रूप ब्लॉग, राइट? आई एम शिखा आल्सो इन शिखाज वीडियो। वी आर इन पाम जुमेरा नाउ। वी लव मैकडॉनल्ड्स का फ्राइज, सो वी गोना गो एंड कलेक्ट मैकडॉनल्ड्स। हाँ, यहीं पे है। यू नो व्हाट द आयरनी इज, देयर इज बीकानेर, बीकानेर पाम जुमेरा, बीकानेर वाला अपने इंडिया का। पापा को मजा आएगा। हाँ, बीकानेर वाले के पास चाट वाट भी मिलता है। अरे यार, पानी पूरी खाए जमाना हो गया। फूल लिखा था तो भी पुश कर दिया मैंने, यही होता है लड़कियों के साथ, जहाँ फूल लिखा होता है वहाँ पुश करते हैं। You're only good. Why are you not great? Great, you're great. Do you know the full form of great? Mm-hmm. It's getting really excited about the day. But the Yamuna from Kathmandu. Mati Malai Maya Karchu. That's the only word I know. Love you too. ओके, उसका मतलब है लव यू, आई लव यू। इन नेपाली लैंग्वेज में से मती मिला माया करचू, करचू ना, मती मिला माया, मींस आई लव यू। ओके, शी लव्स मी, एवरीवन लव्स यू। ओके, सो वी विल हैव अ बारकोड वेयर यू नो दिस थिंग, दिस ऐप। ओके, व्हेन यू जस्ट स्कैन इट हियर, यू विल गेट द प्राइस। नॉर्मल लार्ज प्राइस इज फॉर हाउ मच? Normal 10 dirhams, 50 cents. And like for this, we'll get that for 5 dirhams. So wow. 50% discount. For here, take over, ma'am. For here. But I just need hot. You eat rice from anywhere, but nothing can beat McDonald's.
लिया हुआ है, लेकिन प्राइस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं तो प्राइस के लिए लाइक डी आना पड़ता है। अच्छा, और मुझे देख के पता चल ही रहा होगा हमें कितना। नहीं, तो अच्छी लग रही है, लुकिंग सो स्लिम एंड ट्रिम, परफेक्ट फिगर। नो, अगर देखो जीरो साइज होना है तो फिर अलग बात है, लेकिन यू आर परफेक्ट। इज इट? यस। अच्छा, व्यूअर्स बोल रहे होंगे तेरे क्या यार, तुम किसको परफेक्ट बोल रहे हो रू, अब तो क्या हो गया। व्हाटएवर, तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। ओके, हमारा प्राइस बन रहा है वहाँ पे। हमारा प्राइस बन रहा है, सब अपने मुंह में ऐसे ढके, ऐसे कितना स्कैरी ना। हम लोग को तो जैसे पड़ी नहीं, हम लोग मास्क भी नहीं लगा रहे, घूम रहे हैं, दुनिया अलर्ट में है। हम लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, केएफसी खा रहे हैं, हम पाम जो मेरा में, और कोई है भी नहीं, मैकडी भी खाली पड़ा है। कौन करक चाय फॉर मॉम? इधर करक चाय, हाँ मुझे चाहिए करक चाय। मैकडोनल्ड्स में भी मिलता है करक चाय, लेकिन मैकडोनल्ड्स यमुना ऐसे भी है मेरे को पता है, नेपाल में यमुना नाम बहुत कॉमन होता है, जमुना यमुना यमुना बहुत कॉमन होता है। Garlic sauce. Don't forget to get a garlic sauce when you are taking fries. So, let's see our yummy fries. देखो फ्राइज की बड़ी आदत लग गई है ना। Thank you. It's corona time. हाथ मत लगाओ। कैसा होता है? फ्राइज आता कभी जब तक आया पता ही नहीं चलता है। मेरी मम्मी को चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। हाँ तू बता जरा, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। और बीच पे लाइट होगा ना? वो तो पता नहीं यार, वो तो जाके देखना पड़ेगा। मैं खुद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ एक्चुअली। ऐसे दो रास्ते जाते हैं, एक अटलांटिस जाता है नीचे, हम लोग पाम जो मेरा में है, दिस इज ऑल पाम। ओके, ठीक है, एंड एंड इज द अटलांटिस। ओके, तो वहाँ से नीचे से जाएंगे ना स्ट्रेट को अटलांटिस आता है, पर हमने राइट ले लिया क्योंकि मैं कभी ये पॉन्टी बीच आई नहीं थी। हाँ, तो अभी देखेंगे फर्स्ट टाइम एक्चुअली, वो तो कम फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ओके, हमारे साथ तुम भी एक्सप्लोर कर रहे हो। यस। अरे वाओ, रिंग लाइट है यहाँ पे, आप वीडियो शूट कर सकते हो। ये काफी अच्छा जगह है ये। मेरे पीछे जो आपको लाइट दिख रहा है ये इन बिल्ड है, रिंग लाइट दिया हुआ है ताकि आप अपना शूट कर सको यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स हैं जो शूट के लिए बहुत अच्छा है, लाइक कलरफुल हार्ट बने हुए हैं और ये रिंग लाइट्स है, और awesome place। पीछे आपको मेरे वो दिखाई दे रहा होगा, आपने वो मूवी देखी होगी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, ये वही प्लेस है जहाँ पे वो शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो एक पिक्चर क्लिक करते हैं लोग यहाँ पे आके, दी पॉन्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये द पॉन्टी बीच है, दी पॉन्टी बीच, तो इसलिए यहाँ पे सब सेल्फी निकालते हैं। एंड देन यहाँ पे कार्निवल लिखा हुआ है, एक स्टेज है जो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बीन बैग्स है पूरे बीच पे रखा हुआ, लाइक दिस बीन बैग्स। और पीछे जो है वहाँ पे वो फ़ोटोशूट होता है, बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं वहाँ पे, तो अब मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करूँगी। यहाँ पे रिंग लाइट्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, एक टिकटॉक जो बनाता है उसके लिए बहुत ही ऑसम प्लेस है। अंधेरा है यहाँ पे, लाइट है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ अब मैं कहाँ हूँ। सो यहाँ पे ये ट्रेन भी आती है, जो अभी एक ट्रेन जा रही है, इसको बोलते हैं मोनो रेल। और ये प्लेस एटलांटिक्स बोलते हैं इसको, ये एक बीच पे है, मतलब एक चारों तरफ समुंदर है। अभी ये अंधेरा हो गया, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मूवी है जिसमें शाहरुख खान है, इसमें हैप्पी न्यू ईयर मूवी का शूटिंग यहीं पे हुआ था। और ये मॉम यहाँ पे पिक्चर शूट कर रही है, बट